जितना कम टेस्टिंग उतना कम कोरोना, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि जितने कोरोना के मामले देश में बताए जा रहे हैं यह संख्या उससे कई ज्यादा है? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि जब जब हमारी टेस्टिंग बढ़ती है कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं। ये तो पिछले 10 दिन का आप देख लीजिए, पिछले 10 दिन का आप देख लीजिए कितनी टेस्टिंग बढ़ी और कितने कोरोना बढ़ा। तो ये तो डायरेक्ट इसका रिलेशन है इससे। और जितनी और टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग किट आएंगे, कोरोना की स्थिति गंभीर है, ये हेडलाइन इशू है। गंभीर है और गंभीर इसीलिए है क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं है। अगर टेस्टिंग किट है तो हमारे पास डॉक्टर के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन का सामान नहीं है। ये स्थिति है पूरे देश भर। सर, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर इज दैट एज यू सेड दैट इकोनॉमिक स्लो डाउन विल फर्स्ट इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, सो व्हाट काइंड ऑफ सजेशन डू यू वांट टू गिव टू द सेंटर? अबाउट इकोनॉमिक पैकेज, जैसे अबाउट इकोनॉमिक पैकेज, इकोनॉमिक स्लो डाउन, इट इज, इकोनॉमिक स्लो डाउन इज अ इकोनॉमिक क्राइसिस, इट्स नॉट अ स्लो डाउन, यस दिस इज अ यस इकोनॉमिक क्राइसिस वेयर एवरीथिंग इज एट अ स्टैंड स्टिल करेक्ट एंड द इकोनॉमिक पैकेज हैज टू बी कैलिबर्ड विद अ प्लान टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो द इकोनॉमिक पैकेज, हाउ विल यू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फॉर हुज वर्किंग कैपिटल इज बीन इरोडेड? He paid wages. He will have to do extra maintenance. Those people who are running small, small businesses, what will happen to them? So you got to have a focused economic package. You can't have an economic package covering everything. The government will not have that kind of money. So we'll have to reconcile to the fact that some areas will continue to suffer from crisis. But economic package has to first take care of the past cash flows of those who have been hit. How will they have no revenues, they have not paid their statutory dues. So how will you deal with that? What relief can you give them? Can you defer it? Certain things can be done by deferring it, by statutory dues. But statutory dues not paid means government's less revenue. That means government must reconcile itself that will have less revenue if they write it off. But if they defer it, once you've lost production, you've lost production. Once you've lost trade over 3 months or 2 months, you've lost it. There's no way you can make it up. It's gone. It's gone forever. So that amount is gone forever. So deferring it may not be the right answer. But in the end, you will have to confront it that it's not, it doesn't exist. जी सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमन झा फ्रॉम न्यूज 24 वांट्स टू आस्क। रमन जी सवाल पूछिए। रमन जी, जी विनीत, आवाज आ रही है, जी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ पूछिए। हाँ सर, आपने कहा कि 22 MLA जो कि बेंगलोर में बैठे थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें से कुछ एमएलए ने बाथरूम जाकर उनसे फोन पे बातचीत की और पूरी बात उन्होंने बताया कि किस तरह की परिस्थिति है। लेकिन क्या आपने कभी कोशिश नहीं की कि 22 में से करीब करीब 16-17 विधायक तो ज्योतिराय सिंधिया के समर्थक होंगे ही, तो उनके नेता ज्योतिराय सिंधिया से आपने बात करने की कोशिश की होगी? राहुल गांधी तक ने कहा कि उनके परिवार के सदस्य के तौर पर ज्योतिराय सिंधिया थे, उनके लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते थे। तो क्या आपने ज्योतिराय सिंधिया से संपर्क करने की कोशिश कभी की दौरान? मैं 29 फरवरी को, 29 फरवरी को मैं ज्योतिरादित्य सिंह से दिल्ली में हमारी बातचीत, हम मिले थे। हमारी बातचीत जौरा के बाय इलेक्शन के बारे में हुई थी, अन्य बातों में उस समय ये प्रश्न नहीं था। पर केवल ज्योतिरादित्य के हाथ से ये, मैं सोचता हूँ जब इनको प्रलोभन इतना मिल गया, इस प्रकार का सौदा हो गया, तो ज्योतिरादित्य के हाथ से भी ये बात निकल गई। और अब ज्योतिरादित्य ने क्या शर्तें रखी है मैं नहीं जानता, वो आपको खुद बताएंगे। वो आगे आने वाले 1-2-3 महीने में सामने आ जाएंगे कि क्या उनकी शर्तें थी, क्यों उन्होंने किया। ये सब बातें अंत में पर्दे के पीछे नहीं रहती, हमें ये याद रखना है। आज कल परसों के लिए ठीक है, हम आप प्रश्न पूछेंगे और लोग प्रश्न पूछेंगे, पर अगले महीने, उसके बाद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ये सब चीज, इसकी पूरी सफाई सामने आ जाएगी। थैंक यू सर। विनीत, संजीव जी और